अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशगवार दिन लाए और आपको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर, बरकत, इज़्ज़त, राहत और सुकून हो। आमीन एंड बख़ैर ज़िंदगी। अच्छा, आई थिंक वेकेशंस का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि हमारी सोने, उठने और जागने की सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। रात को लेट सोने की वजह से सुबह का स्टार्ट भी लेट होता है और फिर सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं, जो कि मोस्टली गड़बड़ होने का डर भी होता है, क्योंकि भाई जल्दी काम खराबी का, हेस्ट मेक्स वेस्ट। सो फ्रेंड्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वेकेशंस में भी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, क्योंकि पता है ऐसा करने से हम लाइफ को ज़्यादा इजी बना सकते हैं। तो जनाब, मैं भी आज जल्दी जल्दी में खाना इसलिए बना रही हूँ कि फिर मुझे मेट्रो जाना है ग्रॉसरी के लिए। और आजकल तो ड्यू टू दिस पेंडेमिक सब कुछ 8 o'clock क्लोज हो जाता है, और आज है भी सैटरडे, तो लॉन्ड्री डे भी है हमारा और मेरी हेल्पर वॉशिंग कर रही है। सो जब तक वो फ्री होके नहीं चली जाती तो मैं भी कहीं नहीं जा सकती। सो फ्रेंड्स, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट रियली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ही ज़िंदगी है। पता है मेरी ये आदत है कि मैं डेली सोने से पहले नेक्स्ट डे का सारा प्लान सेट करके फिर सोती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है नेक्स्ट डे और किस तरतीब से करना है। और पता है इसका प्रॉफिट मुझे ये होता है कि बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और कोई मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होता फिर। सो आप लोग भी ज़रूर ऐसे करके देखिएगा, और अगर आप लोग ऑलरेडी ऐसा कुछ करते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं भी अपने टाइम को मज़ीद फ्रूटफुल बना सकूं। जी जनाब, तो वेलकम टू मेट्रो। पर पता है आजकल बाहर निकल के भी इंसान फ्रेश होने की बजाय और डिप्रेस्ड हो जाता है। देखें, यहाँ सब कुछ क्लोज मिलेगा आपको सिवाय ग्रॉसरी के। सो मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल। और अब हम करने लगे हैं ग्रॉसरी, और वहाँ तो परमिशन है नहीं वीडियो बनाने की। सो व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू मस्ट लाइक द वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।